ऐसा कि कांग्रेस जड़ी है वो पूरी तरह न दिशाहीन हो चुकी है। मैं ये दसो कि जेडी ट्रेनिंग चार साल की अग्निपथ के माध्यम से नौजवानों को मिलनी है उन्हों का शरीरिक बौद्धिक और देश के प्रति अनुशासित नौजवान बन के तैयार हो के आएगा। 21 साल की उम्र च बंदे की ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती। 17 साल की उम्र के अंदर बच्चा अगर इहदा हिस्सा बनता अग्निपथ का तो साड़ी फौज के तिने जनरल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यह योजना बनाने के अंदर कितना लंबा समय लिया गया और दुनिया के अनेक देशों के अंदर उतों के हर नागरिक चाहे लड़की है चाहे लड़का है उन्होंने इस प्रकार की फौजी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। सगों इन्हों तो स्वागत करना चाहिए है कि बच्चे दे जो दसवीं होगा उदो कॉलेज जाते हुए उन्होंने खर्चा बदा है एक तरीके का सरकार वो खर्चा वाहन कर रही है और उन्होंने प्लस टू भी करवा रही है उन्होंने एक अच्छा नागरिक भी बना रही है देशभक्त भी बना रही है उन्होंने फिजिकल विकास भी कर रही है अलग अलग स्किल के अंदर उन्होंने डिवेलप कर रही है। जो वो बच्चा वो ट्रेनिंग लैके बाहर निकलता वो 25% सीधे फौज जा रहे हैं अलावा नेवी उन्होंने अडॉप्ट कर रही है अलावा बहुत सारिया स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अपने जो सुरक्षा बल ने स्टेट के असी लवेंगे जिहड़ा बच्चा मैं दसो उ तैयार हो के आएगा उसके लिए नौकरी के आयाम खुलणगे या बंद होंगे 21 साल मैं दसो ना कड़ा बच्चा नौकरी करना। लेकिन कांग्रेस का एक यह है उन्होंने लगता है कि 24 गया पर मैं 29 बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे है पर उन्होंने ये नहीं पता कि यह अग्निपथ स्कीम उन्होंने 29 भी गया जिस तरीके का व्यवहार वो कर रही है। जब जब इन्होंने GST का विरोध किया धारा 370 का विरोध किया जिन्ना जिन्ना विरोध करते हैं BJP उन्नी उन्नी ताकतवर होंगी इस करके और मैं अफसोस की गलत है कि आम आदमी पार्टी इन्हों की पिच से खेल रही है उन्होंने उन्होंने मेरा यह कहना कि इन वाल ना चलो जड़ियां भुलनिया नहीं चाहिए और जो कोई सत्कार नाल प्यार नाल सानू खाने ते सदेगा असीं जरूर जावांगे ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।